शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में उद्धव ठाकरे को करारा झटका लगा है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावरेकर ने पिछले काफी महीनों से चर्चा का विषय इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है। 1.25 घंटे तक तमाम कानूनी पहलू और फैसलों का उल्लेख करने के बाद उन्होंने उद्धव गुट की उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें सीएम शिंदे समेत 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। नार्वेकर के फैसले के बाद शिंदे सीएम की कुर्सी पर बरकरार रहेंगे, तो वहीं उद्धव ठाकरे को बड़ी हार मिली है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने न सिर्फ उद्धव गुट की अपील को खारिज किया बल्कि पार्टी प्रमुख के तौर पर उनके द्वारा लिए गए फैसलों पर भी सवाल खड़े किए। नावरेकर ने कहा कि शिवसेना के संविधान के मुताबिक शिवसेना अध्यक्ष को शिंदे को नेता पद से हटाने का हक नहीं है। नावरेकर ने अपने फैसले में पार्टी का संविधान क्या कहता है, नेतृत्व किसके पास था, विधान मंडल में बहुमत किसके पास था के मुख्य आधार पर अपना फैसला बनाया। इन सवालों का जवाब खोजने के लिए उन्होंने चुनाव आयोग के रिकॉर्ड को सही माना। इसके बाद उन्होंने शिंदे के साथ लगे हुए शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने से इनकार करते हुए उद्धव ठाकरे की अपील खारिज कर दी। शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नार्वेकर को 10 जनवरी की डेडलाइन दी थी। राहुल नार्वेकर ने अपने फैसले में कहा कि मैंने अयोग्यता के मामले में निर्णय लेते हुए चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान में रखा है। नावरेकर ने कहा कि मैं चुनाव आयोग के फैसले से बाहर नहीं जा सकता। उन्होंने कहा चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। साथ ही कहा कि शिवसेना का साल 2018 में संविधान माने नहीं है क्योंकि इसके बाद शिवसेना में कोई चुनाव नहीं हुआ, इसलिए पार्टी का आखिरी संविधान 1999 का ही है। उन्होंने कहा संविधान में हुआ संशोधन रिकॉर्ड नहीं है। 21 जून 2022 को जो हुआ उसे समझना होगा। शिवसेना में फैसले लेने की सबसे बड़ी संस्था राष्ट्रीय कार्यकारिणी है। नार्वेकर ने उद्धव ठाकरे के अकेले फैसले को नहीं लिया, उनके फैसले को गलत करार दिया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।